हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें ली है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे डालना है हमें एक ग्राइंडिंग जार में। पहले हमें इसे एक बार पीस लेना है, हल्का सा इसे चला लेंगे कि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए। हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च ली थी वो इस तरह से हमने बारीक कर लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे बचे हुए रात के चावल। तो मैं यहाँ 2 कटोरी चावल ले रही हूँ। ये मैंने घर की ही नॉर्मल कटोरी से मेजरिंग किया है। इस तरह से आप भी कोई घर की कप या कटोरी से मेजरिंग करें। आप चावल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें चावल को पीस लेना है। पहले हम इसे बिना पानी डाले ही पीसेंगे। अगर हमें जरूरत होगी तब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर पीसेंगे। जरूरत होगी तभी पानी डालना है, वरना पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब हमने चावल को ग्राइंड कर लिया है, हमने बहुत फाइन इसे नहीं पीसा है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने इसे बहुत फाइन नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा है और इसमें बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। अब हम लेंगे यहाँ पर कुछ वेजिटेबल। वेजिटेबल को हमें डाल देना है बाउल में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, लगभग 1/4 कप शिमला मिर्च है। और यहाँ मैंने 1/4 कप ही मटर लिए हैं। मटर को मैंने हल्का सा पीस लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारे नाश्ते में आएगा। और मैंने यहाँ पर एक गाजर ली है, इसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो सब्जियां ली है आप भी वही ले, आपके पास जो अवेलेबल हो या आप जो लाइक करते हो उसे डाल सकते हैं, या बिना सब्जियों के भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम यहाँ भुना पीसा जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1/2 कप बेसन। जिस भी कटोरी से आपने मेजरिंग किया है उसी कटोरी से हमें सारा मेजरमेंट करना है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी बेसन लिया है, तो बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। सारा बेसन हम एक साथ नहीं डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन डाला है, बाकी का हम साइड में रखेंगे। जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा दिया है, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं। तो इसे भी हमें थोड़ा सा डालना है, इसे भी हमें थोड़ा ही डालना है, थोड़ा हम साइड में रखेंगे। जितने बेसन और आटे की हमें यहाँ पर जरूरत होगी उतना ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे दही। इस नॉर्मल चम्मच से हमें लगभग 4 से 5 चम्मच दही डालना है। बहुत ज्यादा यहाँ पर दही की जरूरत नहीं है। दही यहाँ पर हमें हल्का खट्टा लेना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब हम यहाँ लेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथ से हल्का सा क्रश करके डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर जितना बेसन और जितना आटे की जरूरत होगी उतना ही यहाँ पर हमें यूज करना है। बहुत ज्यादा पतला इसे नहीं करेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आटा और बेसन डालेंगे। तो हमारी जो सब्जियां है वो लगभग मिक्स हो गई है, तब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ हमने 1/4 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पर मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पर 1/2 कप आटा और 1/2 कप ही हमने यहाँ पर बेसन का यूज किया है। अच्छे से सारे मिश्रण को हमने मिक्स कर लिया है। इसे हमें स्टीम करना है, तो इसे अभी हम साइड में कर लेंगे और इसे स्टीम होने के लिए हम प्लेट रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ स्टीमर वाली थाली दी है। अगर आपके पास इस तरह से थाली नहीं है तो आप नॉर्मल जो किनारी वाली थाली होती है वो भी ले सकते हैं। इसे हमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। प्लेट को हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ऑयल को हमें प्लेट में फैला लेना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो आसानी से निकल आए। तो इस तरह से प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम मिश्रण ले लेंगे, मिश्रण को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा सख्त है, तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1 या 2 चम्मच ही डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच इसमें पानी डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले हमें इसमें पानी कम ही डालना होता है, क्योंकि जो सब्जियां है और वो नमक के साथ मिलकर पानी छोड़ने लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज कम किया था। तो हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। इससे ज्यादा पतला बैटर हमें नहीं चाहिए, इस तरह का हमारा बैटर है।
तो हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में पलट लेंगे। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। हमें इसे स्टीम करना है तो हम प्लेट में इसे अच्छे से फैला लेंगे। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अप्पे पैन में डाल के अप्पे का शेप देकर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज नहीं किया है। इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से अच्छे से फैला लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम देख लेते हैं, तो हमारा पानी अच्छा गर्म हो गया है। कोई भी नॉर्मल कढ़ाई या पतीले में भी आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आप स्टीमर वाली कढ़ाई का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें कोई स्टैंड या प्लेट पलट कर रख दें और उसके ऊपर जो हमने थाली रेडी की है उसे रख देंगे। तो इस तरह से हम प्लेट को रख देंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए स्टीम करना है, तो हम इसे मीडियम फ्लेम में स्टीम करेंगे। अब हम अपना नाश्ता चेक कर लेंगे। हमने इसे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे स्टीम किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से हल्का सा ड्राई लगे। तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में निकाल कर रख देंगे। ठंडा होने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम एक नाइफ की मदद से इस तरह से किनारों से इसे अलग कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले सेंटर में से इसे कट लगाएंगे, फिर आपको इसके जितने बड़े पीसेस करने हैं उस तरह के पीसेस आप इसके कट कर ले। तो इस तरह से भी आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसके पीसेस कट कर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है और बिल्कुल भी प्लेट को नहीं चिपका है। आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस तरह की भी इसके पीसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कट करके ट्रायंगल शेप दे दूंगी जिससे ये दिखने में और भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो मैंने इस तरह से इसके सारे पीसेस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और टेस्टी बना लेंगे। अब हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हमें गर्म होने देना है। तेल गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे, एक पिंच हम यहाँ हींग डालेंगे। अब हम यहाँ एक चम्मच सफेद तिल डालेंगे, दो इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 8 से 10 करी पत्ता डालेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। साथ ही में हम यहाँ डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स। इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा भून लिया है। अब हमने जो पीसेस रेडी करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। और थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें मिर्च का यूज़ किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने नमक और मिर्च डाली है वो सारे नाश्ते में अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे। और एक बार फिर से चला लेंगे। अब जो हमारा नाश्ता है उसका टेस्ट और बढ़ जाए इसके लिए हम यहाँ पर आधा नींबू का रस भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो देखने से ये हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये हमने रात के बचे हुए चावल से बनाया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपके भी रात के चावल बच जाए तो इस तरह से आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान से रेसिपी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपके साथ बहुत सारी लेफ्ट ओवर रेसिपीज शेयर की है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार सी रेसिपी के साथ।